क्या आपके अंदर भी विटामिन की कमी है, जैसे विटामिन ए बी सी ई के इत्यादि, या अन्य खून वगैरह की कमी है, या बहुत सी कमियां हैं? आपने बहुत सारी मेडिसिन भी ट्राई की, मल्टी विटामिन लिए, फिर भी उसका कोई अधिक फायदा नहीं हुआ। शरीर में अभी भी कमजोरी बनी रहती है, थकान बनी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है और शरीर टूटता सा रहता है। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है और ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लाए हैं एक आयुर्वेद का ऐसा मल्टीविटामिन जो ये तमाम कमियों को अकेला ही हैंडल करता है। आइए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल बर्पन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद की एक ऐसी शानदार मेडिसिन जिसको आप आयुर्वेद का मल्टी विटामिन भी कह सकते हैं, इसका नाम है नवरत्न रस। नवरत्न रस के अंदर बेसिकली 9 प्रकार के रत्नों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे हैं और किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए। नवरत्न रस के अंदर बेसिकली 9 प्रकार के रत्नों की भस्म का प्रयोग किया जाता है और इस भस्म को पहले तैयार किया जाता है, फिर इसे एक टैबलेट की फॉर्म में बनाया जाता है। इसके अंदर जो 9 रत्न प्रयोग किए जाते हैं वो है हीरा, पन्ना, माणिक्य, उखराज, नीलम, गोमेदमणि, वैदुर्य, वैक्रांत और मुक्ता। इसके साथ साथ स्वर्ण भस्म इत्यादि और आमल की, अश्वगंधा और गुरुचि जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो इसको और भी पावरफुल बना देती है। इसके फायदों की बात करें तो ये एंटी एजिंग है, यानी कि आपकी जो तेजी से बढ़ती उम्र है उसको ये धीमा करके आपको जवान बनाए रखता है। उसके बाद यह वात और पित्त को बैलेंस करने वाला होता है, यानी कि वात पित्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बहुत ही अच्छा बना देता है। एक बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, आपके रक्त का शोधन करता है, खून की सफाई करता है और आपके हार्ट को बहुत अच्छा रखता है, यानी कि हृदय संबंधित बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है और बेसिकली इसको वैसे भी लिया जाए आपके हार्ट को बहुत अच्छा बना देता है। अब बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों में बेसिकली काम करता है, तो सबसे पहले आता है डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर बहुत ही अच्छा इसका रोल है, या ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और पैनक्रियाज को भी एक्टिव करने का काम करता है। फिर उसके बाद अस्थमा या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, जो श्वास से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह की समस्या के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखा जाता है और साथ ही साथ ये बाइल्स के अंदर भी काम करता है। कोल्ड एंड कफ के अंदर भी इसका नेचुरली प्रयोग किया जा सकता है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आपके मूत्र में जो रुकावट आती है, जो मूत्र मार्ग में बाधा आती है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है, या मूत्र रोगों के अंदर भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। फिर आगे बात करें तो जीर्ण ज्वर का साथ हो गया क्रॉनिक फीवर, यानी कि ऐसे बुखार जो बहुत लंबे समय तक चले, बहुत पुराने हो जाए या बार बार आपको ठीक होकर दोहरा दे, तो ये बुखार जैसे टाइफाइड वगैरह के होते हैं उनके अंदर इसका बहुत अच्छा प्रयोग। फिर इसका पाइल्स के अंदर बहुत अच्छा प्रयोग, बवासीर चाहे आपको खूनी यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स हो या मस्से वाली बवासीर, दोनों के अंदर ये हेल्पफुल है। उसके बाद वात के डिसऑर्डर्स, वात के जो क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं या कहें कि गंभीर वात की समस्याएं होती हैं, जैसे अर्थराइटिस या जो आपके जॉइंट्स हैं बिल्कुल ही अकड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वहाँ पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी समस्याओं के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लोटिंग की जो समस्या हो जाती है, यानी कि पेट में गैस बनना, गोला बनना, अफारा होना, गैस्ट्रिक की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। फिर आगे बात करें तो घाव, यानी कि जो इंटरनल वाउंड यानी कि आंतरिक घाव हो जाते हैं शरीर के अंदर, खास करके जैसे पेट में, आंतों में, जिसे अल्सर वगैरह कहा जाता है, उन सभी के अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। खास करके ट्यूमर और कैंसर जैसी अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, सर्वाइकल के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और अधिक शराब के सेवन से होने वाली समस्या, यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पी लेने के कारण लीवर में, किडनी में डिसऑर्डर आ जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट डिजीज यानी कि हृदय संबंधित बीमारियों में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, ये बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि होती है। अब बात करते हैं इसके सेवन की विधि। सेवन की विधि से पहले कुछ मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप इसको क्रॉनिक डिजीज में प्रयोग करना चाहते हैं, जो भी मैंने बीमारी ऊपर बताई उनमें से किसी के अंदर भी यूज करना चाहते हैं, तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि आपको कमजोरी है, विटामिन की कमी है या कोई भी और प्रॉब्लम है शारीरिक कमजोरी के रिलेटेड, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। रात के समय दूध से इसको लेना है, खास करके खाना खा लेने के 2 घंटे बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं दूध के साथ। लगातार किसी भी औषधि का 2 से 3 महीने तक ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको लगे कि इसकी और जरूरत है, बीच में आप 15 से 20 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर आप अपनी जरूरत अनुसार इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि सभी कमी मेरी पूरी हो गई है, शरीर अब बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए।
बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नोटिस तो नहीं किया गया, लेकिन फिर भी किसी औषधि को बिना किसी जरूरत के तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत लंबे काल तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बच के रहना चाहिए। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में प्रॉपरली नहीं जानते हैं तो आपको उसको लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना तो बनता है। ये थी जानकारी आयुर्वेद के नवरत्न रस के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद का एक मल्टी विटामिन है और बहुत सी क्रोनिक डिजीज के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।